हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर्स पर। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं दिलवाले मूवी की फुल रिव्यू, फैक्ट्स एंड समरी। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिलवाले 2015 की भारतीय हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी और रोहित शेट्टी पिक्चर्स और लाल मिर्च मनोरंजन की एक अनुमानित बजट पर ₹1.25 अरब, जो उत्पादन और विपणन लागत भी शामिल है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यह शाहरुख खान और काजोल की सातवें फिल्म में वरुण धवन और कृति सैनन के साथ समांतर लीड में के रूप में है। इसके अभिनेता की अंतिम फिल्म उपस्थिति को चयन किया 27 अप्रैल 2017 को। अपनी मृत्यु से पहले विनोद खन्ना, जिन्होंने खान और धवन के पिता की भूमिका निभाई थी। निर्देशक रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित रोहित शेट्टी गौरी खान द्वारा लिखित कहानी सुभाष पटकथा यूनुस सैजवाल संवाद साजिद फरहाद अभिनीत शाहरुख खान काजोल वरुण धवन कृति सैनन संगीत दिया है गीत प्रीतम स्कोर अमर मोहिले छायांकन डोबले द्वारा संपादित बंटी नेगी उत्पादन कंपनियां रोहित शेट्टी पिक्चर्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित रेड चिलीज एंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख 18 दिसंबर 2015। कार्यकारी समय 154 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 125 करोड़। बॉक्स ऑफिस 386 करोड़। यह फिल्म पूर्व क्रिसमस की अवधि के दौरान 18 दिसंबर 2015 को नाटकीय रूप से दुनिया भर में जारी की गई थी और विदेशों में छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। हालांकि यह भारत में सिर्फ एक हिट और उम्मीदों के नीचे की कमाई थी। यह अधिक की कमाई भारत में 1.45 बिलियन और अधिक से अधिक 3.86 अरब विश्व स्तर पर। फिल्म ने 61वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में 6 श्रेणियों में नामांकन अर्जित किए, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और काजोल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शामिल है। भूखंड प्रेजेंट डे गोवा में वीरभक्षी नाम के एक लड़के ने अपने बड़े भाई राजभक्षी के साथ एक कार गैराज खोल रखा है। वह दिन भर उसी पर काम करते हैं। वह एक राहगीर इशिता से मिलता है, जो एक खूबसूरत और शिक्षित युवा लड़की है, और इस प्रक्रिया में अपने ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। वो जाकर उसकी मदद करने उससे मित्रता करती है। तपस्या के लिए राज उसे ठीक कर देता है, जिसके दौरान वीर सोता है और जागता है कि कार के संगीत प्रणाली चोरी हो गई है। एक स्थानीय गिरोह के नेता रजा के लोग एक केकड़े की झोपड़ी में ट्रक बेचने की कोशिश करते हैं। इशिता को धमकी देने के बाद वीर ने उनकी पिटाई कर दी। फिर वीर से सटीक बदला लेने के लिए बाद में वापस आते हैं, लेकिन राज ने लड़ाई को तोड़ दिया। राज सब
उतार ले जाता है और राजा राजा के ठिकाने के बारे में जानता है। वह वहाँ जानता है गिरोह के सदस्य को अक्षम करता है और उनके ड्रग्स टेस्ट जलाता है। राज उसका चेहरा एक हुड से भरा हुआ होता है। राजा के गुस्से को उसका मूल नाम काली बताता है। अगले दिन राजा ने राज को काली के रूप में संदेह किया क्योंकि वह वीर का बड़ा भाई है। राज की दुकान को यह बताने के लिए प्रस्तुत करता है कि आज राज काली है। राज विनम्र और अप्रसन्न दिखाई देता है जो राजा को यह सोचने की ओर ले जाता है कि राज कठिन काली नहीं हो सकता। राजा एक सौदा करता है जहां राजा की सुरक्षा के बदले में राजा के सभी कारों को ठीक करेगा। बुल्गारिया 2000। राज ने गलती से मीरा देव मलिक नाम की एक महिला पर कार चेस करते समय दौड़ लगा दी। जब वह उसकी मदद करने के लिए बाहर निकलता तो वह और उसे छोड़ना पड़ता है। कार दुर्घटना के बाद राज ने खुलासा किया कि वह और वीर एक माफिया बॉस संदीप रक्षी के बेटे हैं। मीरा के साथ डेट के बाद राज ने को अपने पिता के लिए एक शिपमेंट देने के लिए अगले दिन छोड़ना पड़ता है। मीरा ने पूछा कि यह उसका जन्मदिन है और वह चाहती है कि राज उसके साथ अपना जन्मदिन बिताए, लेकिन वह कहती है कि वह बहुत खतरनाक है। राज और उनकी टीम सड़क पर गाड़ी चला रही है जब वाहनों की एक श्रृंखला कहीं से भी निकलती है। गन और कार के झगड़े की वजह से राज के सभी वाहन सड़क पर बिखर जाते हैं और राज की कार पलट जाती है। वाहनों में से एक में एक मदा पैर को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है जो मीरा होती है। वह हाथ में बंदूक लेकर राज के पास जाती है, नीचे झुकती है और उसे बताती है कि वह वास्तव में प्रतिदिन गिरोह के नेता देव मलिक की बेटी है। मीरा ने खुलासा किया कि उसने मलिक को सलाह पर राज को धोखा दिया, हालांकि वह अपना जीवन बिता रही है क्योंकि यह उसका जन्मदिन है। जब वह अपने कारों में एक दूसरे का पीछा करते हैं तो राज मीरा को उसे मरने का वादा करने से बचाता है। अगर वह उसे फिर से देखता है तो वह उसके लिए अपनी प्यार की घोषणा करता है और वह उसे माफ़ कर देती है। वह अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए योजना बनाते हैं। वर्तमान दिन, फिल्म गोवा वापस लौटती है जहां वीर को पता चला कि उसके दोस्त सिद्धार्थ सहगल उर्फ सिद्धू ने नींद की गोलियों के साथ उसकी कॉफ़ी पी ली और अन्य भागों में ध्वनि प्रणाली चुरा ली। वीर परेशान है लेकिन सिद्धू बताते हैं कि यह उनके प्रेमिका जेनी के लिए है। दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए सहमत है। परिणाम स्वरूप वीर निशिता को अपनी भावनाओं को प्रकट किया। अपने रिश्ते के बारे में पता चलने पर राजिशिता के परिवार से मिलना चाहता है। जब राज वहाँ जाता है तो उसे पता चलना कि इशिता मलिक की छोटी बेटी और मीरा की छोटी बहन है। बुल्गारिया 2000। पर्दा के बाद मलिक रणधीर से मिलने के लिए सहमत हो गया, लेकिन चुपके से मलिक ने रणधीर को मारने की योजना बनाई। बैठक एक गोलीबारी से टूट जाती है जिसके दौरान मलिक और रणधीर एक दूसरे को गोली मारते हैं। मीरा राज को बंदूक के साथ पाती है जिसके लिए वह उसे गोली मारता है। हालांकि वह गोल
बंदूक की गोली से बच गया। मीरा बुल्गारिया से दूर जाने और एक नया जीवन शुरू करने का फैसला करती है। राज को भी भूल जाना चाहिए और एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। वर्तमान देव गोवा में वीर और रिश्ता यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बड़े भाई भाई बहन एक दूसरे को क्यों ना पसंद करते हैं। वे राज की लेफ्टिनेंट द्वारा एक बादशाह गलत कहानी बताई जाती है क्योंकि वह कहानी बनाने के लिए हाथापाई करते हैं। वह एक टीवी शो में ग्राहकों के फेवरेट चैनल के रूप में दिखते हैं। इसके बाद वह मीरा और राज को एक साथ लाने के लिए कई स्टोरी के साथ आते हैं। मनी किंग की कार चुराता है और उसे दुकान में लाता है जहां वीर पीठ से नशीली दवाओं का खोजा करता है और उन्हें जला देता है। राजा उन्हें कुछ जलाता हुआ देखता है और अपनी सफ़ेद कार को ठीक करने के लिए कहता है क्योंकि वह मनी के नशे में दौड़ने के आधार पर तेजी से संदिग्ध हो जाता है। राजा के आदमी एक रात मीरा के घर आते हैं लेकिन राज उसे काले के रूप में दिखाता है और उसे कोई नुकसान हो जाने से रोकता है। बाद में चर्च के सामने राजा मीरा से काले के बारे में पूछता है जिसे वह राज के जीवन की बढ़ाने से मना कर देती है। मीरा एक अल्टीमेट जारी करती है कि इशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ चलना होगा, उसके भाई को प्रक्रिया में छोड़ देना। जैसा कि वीर ने गुस्से में आग उगली, उसे पता चलता है कि मीरा ने कहा था कि राज वास्तव में रणधीर का गोद लिया हुआ पुत्र था और वह वीर का बड़ा भाई नहीं है। एक टकराव के बाद जहां राज को पता चलता है कि वह वास्तव में वीर का पूरा भाई नहीं है तो राज जाकर मीरा को सच बताता है कि उसने उसे बताया कि उसके पिता को नहीं मारा। मलिक का दाहिना हाथ राघव मीरा से बात करते समय पुष्टि करता है कि राज ने वास्तव में मलिक की हत्या नहीं की थी लेकिन रणधीर ने मलिक को उसकी गोली के बदले में गोली मार दी थी। यह जानने के बाद मीरा अफसोस और पश्चाताप से व्याकुल हो जाती है और शिता को राज के घर ले जाती है। यह घोषणा करती हुई कि वीर की शादी के बाद इशिता को घर ले जा सकता है। एक टकराव के बाद जहां राज को पता चला कि वह वास्तव में वीर का सिद्धू और जैनी की शादी में राजा एक कार दिखाता है और देखता है कि वह करीबी परीक्षा के बाद उसकी चोरी की गई कार है। राजा मनी ऑस्कर और फिर वीर को बाहर लाकर अशांति पैदा करने लगता है। एक लड़ाई वीर के साथ होती है जब तक कि एक झटका उसे वापस नहीं भेज देता और जब वह मीरा के पैरों पर रुक जाता है तो वह बाहर की ओर चला जाता है और वह राज को पीटता है और राज बाहर आता है और अपने रास्ते में सभी को ले जाता है। राजा वीर की जांच करने के लिए राज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसे मौका देकर राज को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन मीरा यह देखकर राज को धक्का देती है उसके सामने कदम रख देती है और उसे गोली मार दी जाती है क्योंकि उसके राज को बचाने के लिए कोशिश की। राजा राज के पुरुष द्वारा पीटा जाता है क्योंकि वह मीरा को गोली मारने के बाद उसे दौड़ाते हैं। मीरा बच जाती है और राजा और मीरा दोनों अस्पताल में फिर से मिलते हैं। कास्ट: राज पक्षी काली के रूप में शाहरुख खान, रणधीर के
वीर के भाई शक्ति और अनवर के दोस्त मीरा का प्यार। मीरा मलिक के रूप में काजोल, देव के बेटी इशिता की बहन, राज की प्रेम रुचि। वीरबख्शी के रूप में वरुण धवन, रणधीर के पुत्र, राजा के भाई, राज के भाई सिद्धू के दोस्त, ईश के प्रेम रुचि। इशिता मलिक के रूप में कृति सनोद, देव की बेटी मीरा की बहन, प्रेम की वीर की प्रेम रुचि। रणधीर बख्शी के रूप में विनोद खन्ना, राज के पिता, वीर के पिता। देव मयूर के रूप में कबीर बेदी, मीरा और इशिता के पिता। किंग के रूप में बोमन ईरानी, स्थानीय गैंग लीडर। जॉनी लीवर के रूप में मनी चोपड़ा, राज और वीर के पड़ोसी। संजय मिश्रा को ऑस्कर डी कोस्टा, जेनी के भाई के रूप में। शक्ति सहगल के रूप में मुकेश तिवारी, सिद्धू के भाई, राज और अनवर के दोस्त, राज के निकटतम सहयोगी। अनवर हंसारी के रूप में पंकज त्रिपाठी, राज और शक्ति के दोस्त, राज के निकटतम सहयोगी। राघव के रूप में नवाब शाह, देव का दाहिना हाथ। सिद्धार्थ सिद्धू के रूप में वरुण शर्मा, शक्ति के भाई, वीर के दोस्त और जेनी के प्रेमी। चेतना डी जेनी डिकोस्टा, ऑस्कर की बहन, सिद्धू की प्रेमिका। जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 के फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। शेट्टी ने अभिनेत्री काजोल को खान के साथ जोड़ा। यह सातवीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के विपरीत कास्ट किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को भी साइन किया, जो कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृति सनोन उनके साथ साइन की गई थी। प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 2015 में बुलगोरिया में फिल्मांकन के लिए दल में शामिल हुए। बाद में उसी महीने फिल्म का पहला गाना बुलगोरिया में धवन और कृति सनोन पर फिल्माया गया। जुलाई के अंत तक कार्यक्रम का समापन हुआ। अगस्त 2015 में एक रोमांटिक गीत जिसमें मुख्य जोड़ी को आइसलैंड में फिल्माया गया था। फिल्मांकन के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग के लिए पूरी टीम सितंबर को की शुरुआत में हैदराबाद के लिए रवाना हुई। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक हो गया था और फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ समाप्त हो गया। वही स्थान जहां इसे शुरू किया गया था। दिसंबर में प्रमोशन शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गाना शूट किया गया था। इसमें सभी चार प्रमुख अभिनेताओं को दिखाया गया था और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना था। दिलवाले में जारी किया गया संक्षिप्त अरब इमारत पर 18 अपनी दुनिया भर की रिलीज दिसंबर 2015 के दिन। पहले यह फिल्म भारत में और 3100 स्क्रीन में जारी किया गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क एक सौदा मूल्य के रूप में 2.2 अरब अगले दो दिन
लाल मिर्ची पर सोफे के साथ था। अकेले दिलवाले के मूल्यांकन लगभग वो 600 मिलियन थे। 14 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को माध्यम से के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से 12A का वर्गीकरण मिला। इस रेटिंग को प्राप्त करने के लिए फिल्म के यूके डिस्ट्रीब्यूटर के तहत सेकंड निकालने का विकल्प चुना। मटेरियल में दर्शकों को 12A की रेटिंग के लिए अधिक से अधिक हिंसा से युक्त किया गया। एक कटा हुआ 15-rated संस्करण उपलब्ध है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण अरदास ने फिल्म को 4 out of 5 स्टार दिए, जिसमें कहा गया पूरे दिल वाले एक माउथ वाटर खाने के शौकीन है, जो SRK काजोल के प्रशंसकों के लिए एक संपूर्ण इलाज होने के अलावा मसालेदार मैलाथन खाने वालों की लालसा को पूरा करते हैं। पर्सन दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म किंग आकार के मनोरंजन से क्या उम्मीदें करती है, इसके लिए जाओ। कोमल नाहटा ने फिल्म की समीक्षा से कहा, दिलवाले शुरू से अंत तक मसाला मनोरंजन है। फिल्मफेयर के रुचित गुप्ता ने इसे 4 out of 5 स्टार दिए और कहा, दिलवाले शौकोश पॉपकॉर्न झटका है, यह रंगीन उज्जवल और मनोरंजक है। यह चलाकी से SRK काजोल रसायन विज्ञान पर अपना नाटक कर रखता है। इसमें शानदार संगीत है, सभ्य हंसते भी हैं, निश्चित रूप से देखों के लायक है। DNA की सरिता तनवर ने फिल्म को 3 out of 5 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि दिलवाले लेकिन यह दृष्टिपूर्ण है, लेकिन यह उन लोगों के लिए सही है जो मानते हैं कि प्यार यह सब जीतता है। वास्तव में इंडिया टुडे की अन्य भ्रष्टाचार्य ने फिल्म को 3 out of 5 की मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला, ओए मोए गॉड, इस प्रोबेल कहानी के बावजूद दिलवाले बेहद सुखद है। अपने दिमाग को तस्वीर से बाहर रखें और आपके पास एक आउट है और बाहर मनोरंजन, जो पूरी तरह से एक दोषी खुशी के साँचे में फिट बैठता है। विडे के शोभा शेट्टी शाह ने फिल्म को 3 out of 3 स्टार दिए और कहा, SRK और काजोल के बीच की केमिस्ट्री के लिए इसे देखें, जो इन सभी वर्षों के बाद भी उबालने से इनकार करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया से मीना अय्यर ने फिल्म को 3 out of 5 सितारे दिए, पद्मनाभन की आलोचना की और कहा, दिलवाले भारी शाहरुख की मेगा स्टार बनने और उनकी पद्मदाहट स्थानों अपडेट कार से पीछा करने और शीर्ष पर स्थापित जो आप मुंह दबाकर हंसाती हैं। एंड्रॉय टीवी को लगा कि फिल्म का प्लॉट हल्को चला गया और काजोल के महान होने के बावजूद फिल्म को कुल मिलाकर अपील करने में विफल रही। इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को 2.5 out of 5 स्टार दिया और महसूस किया कि इसमें आत्मा और ताजगी की कमी है और कहा कि यह केवल खान और काजोल के प्रशंसकों से अपील करेगा। राजीव मसंद की IBN Live 5 की फिल्म
को 5 2 स्टार दिए और कहा, वास्तविक समस्या दिल वाले उद्यम की सरासर कर्तृत्वता है। इंद्रधनुष के सेट पर गेरुआ गीत में छुपा हुआ आप परिदर्शन से करने के लिए हास्य और भावनात्मक उदायगी के कई क्षण, इतना कुछ सिर्फ नकली लगता है। नम्रता जोशी की द हिंदू ने टिप्पणी की कि रोहित शेट्टी ज्यादा के बावजूद पूरी गलत हो जाता है कि वह अपने निपटान में था। एक शक्ति से भरपूर कलाकार और निर्माता भी शामिल है। जोशी भी महसूस किया कि खान और काजोल री पैकेज करने के लिए प्रयास उल्टा असर होता है के रोहित वसत हिंदुस्तान टाइम्स के लिए 1.5 रेटिंग और प्लॉट को अधिकतर पूर्ण डिमांड कहा जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, यहाँ तक कि शेट्टी के दिल के संदर्भ दिलवाले कम है, इसने मुझे चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उदासीन बना दिया। रोहित और प्रमुख व्यक्ति शाहरुख खान के दिलवाले को मसाला मनोरंजन के रूप में स्पष्ट रूप से तैनात किए हैं, जिसका अर्थ है कि हमें तर्क, सामंजस्य, चरित्र या गहराई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राजा स्नैक रेडिफ ने फिल्म को 5 out of 1 स्टार दिया और कहा, बजट और एक्सेस ये लंबे समय से शेट्टी के लोगों लोक है और ये दिलवाले की तुलना से कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। जहां आधुनिक हिंदी सिनेमा में स्क्रीन जोड़ी से सबसे बड़ी कमाई आई है, दिलवालों और 150 करोड़ अपने गान सप्ताह में वर्ष की तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और अमेरिका में 21 लाख डॉलर दुनिया भर में कमाई करी। भारत फिल्म के साथ जारी बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर खोला नंबर 1 71 210 मिलियन के बाद वर्ष की तीसरी सर्वाधिक इनके उद्घाटन के दिन पर को दूसरे दिन इस फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में लगभग 210 मिलियन की कमाई की। ये थोड़ा अधिक की कमाई थी, 310 मिलियन 2 सप्ताह में नेट करने के लिए अपने व्यापार लेने के लिए 1.27 अरब। फिल्म ने तीसरे सप्ताह में 1.010 मिलियन की कमाई थी। खान ने भारत में फिल्म के घरेलू प्रदर्शन के निराशा व्यक्त की। काजोल भी कथित तौर पर निराश थी। उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ दावा किया कि उन्होंने दिलवाले के पक्ष में सुजाय घोष की फिल्म से मुख्य भूमिका को ठुकरा दिया। दिलवाले की 2015 में विदेश में सबसे ज़्यादा ओपनिंग की थी और जब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने की थी, जिसका वीकेंड ग्रोस लगभग 8.5 मिलियन डॉलर था। फिल्म में खाड़ी में भी एक सर्वाधिक रिकॉर्ड की स्थापना दी। में पाकिस्तान फिल्म 65 लाख अपने पहले 3 दिनों में। फिल्म में 9.13 करोड़ पाकिस्तान के 3 सप्ताह में। फिल्म ने पहले सप्ताह में विदेशों में 13 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, फिर से सार का सबसे अधिक। दिलवाले ने दूसरे सप्ताह में 3.75 मिलियन की कमाई की, जो 10 दिनों में 16.75 मिलियन थी। 2 सप्ताह के बाद फिल्म की विदेशों में कमाई 20.4
डॉलर से अधिक थी। इस फिल्म ने भारत के बाहर टोटल जनवरी 2016 को लगभग 33.6 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो विदेश सॉरी 33.3 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो विदेश बाजारों में शाहरुख खान द्वारा अभिनीत सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जर्मनी, नीदरलैंड और इंडोनेशिया जैसे नए बाजारों में खुलने के बाद दिलवाले की बिक्री 25 मिलियन से अधिक हो गई। पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काजोल, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक प्रीतम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार प्रीतम, सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। 8वां मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, वर्ष का गीत गेरुआ, वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह, वर्ष का संगीत संगीतकार प्रीतम, वर्ष के आगामी पुरुष गायक अमित मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ गीत इंजीनियर और अलीर करने कौशिक दास, निखिल पॉल जोजर, संगीत रिहा 4 दिसंबर 2015, रिकॉर्ड 2015, स्टैंडिंग फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 29 मिनट 36 सेकेंड, भाषा हिंदी, लेबल सोनी म्यूजिक इंडिया। फिल्म में दिखाए गए गीत प्रीतम द्वारा लिखे गए हैं और गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे गए हैं। अमर मोहिले ने फिल्म स्कोर की रचना की है। साउंड ट्रैक एल्बम के रिलीज से पहले 18 नवंबर 2015 को गेरुआ नामक एक ट्रैक को अपने अकल के रूप में रिलीज किया गया था। रिलीज होने वाला दूसरा एकल मनवा इमोशन जागे था, जिसे 26 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया था। एल्बम में 7 ट्रैक है और 5 दिसंबर 2015 को सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा रिलीज किया गया था। सोनी म्यूजिक इंडिया ने फिल्म के संगीत अधिकार रुपीज़ 190 मिलियन के रिकॉर्ड के लिए हासिल किए। गेरुआ संगीत के भी अलग अलग संस्करण थे। तेलंगाना नामक एक अरबी संस्करण 11 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था, जबकि अलीना अजीज की कैला फैक्ट्रन से स्वरों की विशेषता वाले वर्णा सिंटर नामक एक हिमालय संस्करण 18 दिसंबर 2015 को जारी किया गया था। ट्रैक लिस्ट में गेरुआ, अरिजीत सिंह, अंतरा मिश्रा, मनवा, भावना जागे, इमोशन जागे, अमित मिश्रा, अनुष्का, पंचंदा, अंतरा मित्रा, जन्म जन्म, अरिजीत सिंह, अंतरा मिश्रा, टुकुर टुकुर, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, नक्श अजीज, सिद्धार्थ महादेवन, कनिका कपूर, देरे, अरिजीत सिंह, प्रेमिका, बेनी दयाल, कनिका कपूर, दिलवाले का थीम अरिजीत सिंह। तो गाइस चलिए आज आपको इसके हीरो के शाहरुख खान के बारे में बताते हैं। शाहरुख खान जिन्हें SRK से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व है। इन्हें मीडिया इन्होंने बताया कि बादशाह ही बॉलीवुड और राजा खान इन्होंने 80 से अधिक में दिखाई दिए हैं। हिंदी फिल्मों और अर्जित कई वाहवाही 14 सहित फिल्म फेयर अवार्ड्स भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रश्री और फ्रांस की सरकार उसे ऑर्डर डेस ऑर्डर्स एंड डेस ब्लेस और लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है।
खान की ईर्ष्या और भारतीय प्रवासी दुनिया भर में महत्वपूर्ण भूमिका है। दर्शकों के आकार और आय के संबंध में उन्होंने दुनिया में के सबसे सफल फिल्म सितारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। खान ने 1980 के दशक के अंत में कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना के साथ फिल्म बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर, डर और अंजाम फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया था। इसके बाद उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और कभी खुशी का बेगम सहित कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करने के बाद शोहरत हासिल की। खान ने एक शराबी के अपने चित्रण के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा जीती। देवदास एक नासा में वैज्ञानिक स्वदेश, एक हॉकी कोच, चकदीप भारत और माई में इस खान ने एस्प्रम सिंड्रोम में पीड़ित एक व्यक्ति उनकी शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और वासी समुदाय और धार्मिक नेतृत्व पुरस्कारों के साथ प्रदर्शित करती है। 2015 तक खान मोशन पिक्चर प्रोडक्टर कंपनी रेड चीज एंटरटेनमेंट और उनकी सहायक कंपनियों के सह अध्यक्ष हैं और इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सह मालिक है। लगातार टेलीविजन पुस्तोता और स्टेज शो कलाकार है। मीडिया अक्सर उनके कई समर्थन और उद्यमिता उपकोम के कारण उन्हें ब्रांड एक्सेप्टिव के रूप में लेबल करते हैं। खान के परोपकारी प्रयासों ने स्वास्थ्य देखभाल और आपदा राहत प्रदान की है और उन्होंने बच्चों की शिक्षा और विश्व आर्थिक मंच के समर्थन के लिए 2011 में यूनेस्को के पायरामिड कोन मरानी पुरस्कार में सम्मानित किया गया था। भारत में महिला और बच्चों के अधिकारी के लिए उनके नेतृत्व के लिए 2018 स्टेटल अवार्ड से भारतीय संस्कृति में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नियमित रूप से शामिल है और 2008 में नौ लीग के उन्होंने दुनिया में 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक का नाम दिया। खान की पहली अभिनय भूमिका लक टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिनकी शूटिंग इसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन की देरी के कारण राजकुमार कपूर निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी के बजाय उनकी टेलीविजन शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसने फिल्मों के प्रोडक्शन में एक यथार्थवादी रूप दिखाया, जिन्होंने अभिमन्यु राय की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके कारण अरविंद मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सरकार और मणिपुर की मणिपुरी इडियट में और अधिक उपस्थिति हुई। खान ने धारावाहिक को मामूली भूमिका और
हो गए। इन धारावाहिक में अपने प्रदर्शन के आलस के चलते अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनके लुक और अभिनय शैली की दुनिया को हरवाने के लिए किया, लेकिन खान को उस समय से यहाँ मिलने कोई भी शक्ति नहीं थी। यह सोचकर कि यह काफ़ी अच्छी नहीं थी, खान ने अपने 1991 में फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपने निर्णय को बदल लिया। इसे अपनी माँ की मृत्यु के दुख से रखने के तरीके के रूप में अद्भुत किया। बॉलीवुड में एक फिल्म चली करियर बनाने के लिए दिल्ली से मुंबई चले गए और दुनिया और उनकी पहली पेशकश हेमा मालिनी के निर्देशन में बनी थी। दिल आश्रय है कि ये थी और जून तक उन्होंने अपना पहला शूट किया शुरू कर दिया था। उनकी दिल की शुरुआत दीवाने से हुई थी तो जून में रिलीज हुई थी। उन्होंने दिव्या भारती के साथ ऋषि कपूर की दूसरी पुरुष प्रधान भूमिका निभाई। बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड अर्जित किया। इसके अलावा चमत्कार दिन आसना है और कॉमेडी राजू बन गया जेंटलमैन और जो अभिनेत्री जूही चावला के साथ उनके कई सहयोग थे। उनकी प्रारंभिक फिल्म में भूमिकाओं ने उन्हें ऐसे चरित्रों को निभाते देखा जिन्होंने उत्साह और उत्साह से प्रदर्शन किया। डेली न्यूज एंड एनालिसिस के अनवर रे ने अनुसार खान एक नई तरह की एक्टिंग लेकर आए हैं, क्योंकि वह बर्फ की एक स्लैब पर सीढ़ियों को गिराना, गाड़ी चलाना, किसी को पीटना, चोट काटना, आंखें कपाना, स्किन को होते कुछ की तरह लाना और फिर उमर और अगली बार जाना। 1993 की अपने रिलीज के बीच खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे सराहना प्राप्त की, बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी। बाजीगर इसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले किरदार निभाया, जिसमें खान ने उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। उसने भारतीय दर्शकों को मानक बॉलीवुड फॉर्मूले के अपराशित उल्लंघन से चौंका दिया। इसने आधुनिक भारतीय संस्कृति को कैंडल्स कैंपेनियन शोनल खोलर चरित्रपूर्ण रोधी नायक कहा जाता है। बाजीगर में उनका प्रदर्शन जारी रहती काजोल के साथ उनकी पहली प्रस्तुति होगी। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता के लिए खान को अपने पहला पुरस्कार दिया। 2003 में इन सिनेमा की रिपोर्ट ने कहा कि खान ने इन दोनों फिल्मों में पारंपरिक नायक की छवि के प्रभाषित किया और संशोधनवादी नायक का अपना संस्करण बनाया। डर ने फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी कंपनी यश राज फिल्म्स के साथ खान के कई सहयोगों को चहित किया। खान का हकलाना हकलापन और आई लव यू के किरण कव्यास का उपयोग दर्शकों के बीच लोकप्रिय था। इंडियन एक्सप्रेस की मालिनी अनंत ने तर्क दिया कि है अभी तक एक और नकारात्मक भूमिका में अभिनय के सम्मान के साथ चलती है के लिए डर है के लिए नामांकन प्राप्त किए एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार के रूप में जाना है, लेकिन करने के लिए खो दिया गया। माया में सामने दीपा शाही के साथ एक नगन दृश्य को प्रदर्शन किया, हालांकि इसके कुछ हिस्सों को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड में
सेंसर कर दिया था। गंभीर विवाद ने उन्हें भविष्य की भूमिकाओं में इस तरह के दृश्यों से बचने के लिए प्रेरित किया था। 1994 में खान खेला में एक प्रेम मारा संगीतकार कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना वितरित अधिनित जोड़ी और सुचिता कृष्णमूर्ति, जिसे बाद में उन्होंने पेशवर अपने पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन से उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला और 2004 में पूर्वव्यापी समीक्षा से Rotten.com के सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर, मुस्काना, शरारती और दिल से सीधे अभिनय करने वाला कहा। इसके अलावा खान को अंजाम ने सह अभिनीत एक जुनूनी प्रेमी के रूप में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला। माधुरी दीक्षित उस समय मुख्य धारा की हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख व्यक्ति के करियर में विरोधी भूमिका निभाना जोखिम भरा माना जाता था। अर्णव रे ने बाद में खान को पागल, जोखिम और लिफाफे को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया ताकि वे ऐसे किरदार निभा सके। इसके जरिए उन्हें अपने करियर की स्थापना की। निर्देशक मुकुल आनंद ने उन्हें उस समय एंट्री का नया चेहरा भी कहा था। खान ने 1995 में 7 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से पहली राकेश रोशन की मधुर थ्रिलर करण अर्जुन थी। सलमान खान और काजोल की सह अभिनीत भारत की में साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उस वर्ष उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज थी आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने एक युवा अनिवासी भारतीय की भूमिका निभाई जो यूरोप भर में एक यात्रा के दौरान काजोल से प्यार में पड़ जाता है। खान शुरू में एक प्रेमी की भूमिका जो चरित्र करने के लिए मितभाषी थे, लेकिन इस फिल्म को उन्हें रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दोनों आलोचकों और जनता द्वारा की सराहना की गई। यह भारत और विदेशों में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली उत्पादन बन गए और है और एक सभी समय ब्लॉकबस्टर द्वारा घोषित किया गया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया से अधिक की सकल 7.22 रुपीज़ अरब दुनिया भर में। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। यह अभी तक 2015 के शुरुआती 1000 हफ्तों से अधिक के बाद मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में प्रदर्शित हो रहा है। इस फिल्म ने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें खान के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कारों में से दूसरा भी शामिल था। निर्देशक और आलोचकों राजा सैनन कहा खान ने शानदार प्रदर्शन दिया। 1990 के दशक के लिए प्रेमी की बहुत घबराहट के साथ पूर्ण प्रभाषित किया। वह शांत और तेज तरार है, लेकिन दर्शकों से अपील करने के लिए पर्याप्त रूप से ईमानदार है। प्रदर्शन ही व्यास में सर्वश्रेष्ठ की तरह काफ़ी खेला जाता है गैर अभिनय के रूप में सहज रूप से आने के लिए। 1996 में खान की सभी 4 समीक्षा व्यावसायिक रूप से विफल रही, लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यस बॉस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीत भूमिका ने उन्हें सराहना की और उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। बाद में 1997 में उन्होंने सुभाष घई के वारासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक अर्जुन को
चरित्रित करते हुए जो एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहा था। इंडिया टुडे ने संकेत राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में इसका हवाला दिया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज यश चोपड़ा के साथ लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में दूसरा सहयोग था। उन्होंने राहुल को चरित्र किया एक मंच निर्देशक जिसे माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच एक प्रेम त्रिकोण में पकड़ा गया था। फिल्म और उनके प्रदर्शन को महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली। खान को फिल्म फेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। खान ने 3 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और 1998 में अपनी एक विशेष भूमिका निभाई। वर्ष की अपनी पहली रिलीज में उन्होंने महेश भट्ट की एक्शन कॉमेडी डुप्लीकेट में जूही चावला और सोनाली बांद्रे के साथ दोहराई भूमिका निभाई। यश के साथ उनके कई सहयोग में से पहला जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन फिल्म को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था, लेकिन इंडिया टुडे ने अपने उर्वाजन प्रदर्शन के लिए खान की सराहना की। उसी वर्ष खान ने एक ऑल इंडिया रेडियो संवादना के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण प्रशंसा जीती, जो दिल से में एक रहस्यमय आतंकवादी के लिए मोह पैदा करता है। आतंकी फिल्मों की मणिरत्न की तीसरी किश्त वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज से उन्होंने करण जौहर के रोमांस कुछ कुछ हो गया कुछ कुछ होता है गए में एक कॉलेज छात्र के चहित किया, जिसमें वह काजोल और रानी मुखर्जी के साथ एक प्रेम त्रिकोण में शामिल थे। लेखिका अनजाना मोहितार चंद्रा ने 1990 के दशक के ब्लॉकबस्टर के रूप में संदर्भित किया, जो रोमांस कॉमेडी और मनोरंजन की पाठ पूरी है। खान ने लगातार दूसरे वर्ष फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। हालांकि उनका और कई आलोचकों का मानना था कि उनके प्रदर्शन को काजोल ने देख लिया था। उनके करियर के इस चरण में भूमिकाएं और उनके बाद की रोमांटिक कॉमेडी और पारिवारिक नाटकों की श्रृंखला ने दर्शकों को विशेष रूप से किशोरों के से खान व्यापक प्रशंसा अर्जित की और लेखक अनुपम चोपड़ा के अनुसार उन्हें भारत में रोमांस के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उन्होंने यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के साथ लगातार पेशेवर संगीत की। उन्होंने उनके छवि को ढाला और उन्हें सुपरस्टार बनाया। खान ने एक रोमांटिक आखिरी आदमी कभी व्यस्त में अपने सह कलाकारों से किसी हालांकि है 1999 में खान की एकमात्र रिलीज फिल्म बादशाह थी, जिसमें उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ अभिनय किया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, यह उनके लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया एक हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें उन्होंने के लिए खो दिया गोविंदा के लिए हसीना मान जाएगी मैं अभिनेत्री जूही चावला और निर्देशक अजीज मिर्जा के साथ ड्रीम्स अल्टीमेट नामक एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक निर्माता बन गए। खान और चावला अभिनीत कंपनी का पहला प्रोडक्शन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी एक व्यावसायिक विफलता थी। कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन अभिनीत उसके एक सप्ताह बाद रिलीज हुई थी। तब एक जो आलोचकों का मानना है कि खान Rediff.com की सापरा मित्र ने खान की भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हुए कहा, सच कहूँ तो यह उस समय है जब उन्होंने अपने अभिनय को थोड़ा नया किया है। खान ने कमल हासन की हे राम में सहायक भूमिका निभाई, जो तमिल और हिंदी में एक साथ बनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने अमजद खान नामक एक पूर्वार्तित की भूमिका निभाकर तमिल में अपनी शुरुआत की। उन्होंने हसन के साथ काम करने के लिए निशुल्क प्रदर्शन किया। खान ने प्रदर्शन पर द हिंदू के टी कृतिका रेड्डी ने लिखा, शाहरुख खान हमेशा की तरह से प्रदर्शन के साथ आता है। 2001 में ड्रीम्स अल्टी
खान में शीर्षक भूमिका में चित्रित के साथ वापसी की कोशिश की। संतोष सिवान की ऐतिहासिक महाकाव्य अशोक सम्राट के जीवन का एक अश्रृंखला रूप में काल्पनिक खाते अशोक फिल्म को विनेस फिल्म फ्लेवर और 2001 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ प्रदर्शित किया गया, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। जैसे जैसे उत्पादन कंपनी के लिए घाटा बढ़ता रहा, खान को srkworld.com बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक कंपनी जिसे उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ शुरू किया था। दिसंबर 2011 या दिसंबर 2001 में कृष्णा वासनी की शक्ति द पावर में एक विशेष उपस्थिति के लिए एक्शन सीक्वेंस करते हुए खान को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। बाद में उन्हें एक लंबे डिस्क के साथ और कोई विकल्प उपचारों का प्रयास किया। इसमें से किसी भी चोट का स्थायी समाधान नहीं किया, जिससे उनकी कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें काफ़ी दर्द हुआ। 2006 की शुरुआत तक उनकी स्थिति इस तहत तक बिगड़ गई की थी। उन्होंने लंदन के विलिंगटन अस्पताल में पूर्व काल ग्रीवा डॉक्स में और सल्यन सर्जरी से गुजरना पड़ा। खान ने जून 2003 में शूटिंग फिर से शुरू की, लेकिन उन्होंने अपने काम का बोझ कम कर दिया और फिल्म की संख्या जो उन्होंने सालाना स्वीकार की। इस समय के दौरान सफलताओं में आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें और करण जौहर के पारिवारिक नाटक कभी खुशी कभी गम, जो खान अपने करियर में एक महत्वपूर्ण के रूप में बताते हैं। दोनों फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एक सत्यवादी व्यक्ति के रूप में सहभिनीत किया और दोनों पुरुषों के बीच व्यवहारिक संघर्ष प्रस्तुत किया। खान फिल्मों में खान के प्रदर्शन को व्यापक सर्जनी सराहना मिली और उन्हें मोहब्बत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनके दूसरे फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कभी खुशी कभी गम अगले 5 वर्षों के लिए विदेशी बाजार में सभी समय का सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय उत्पादन बना रहा। 2000 में खान ने संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांस देवदास में ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के विपरीत एक विद्रोही शराबी के रूप में शीर्षक भूमिका निभाई। की लागत से खत्म 500 मिलियन रुपीस यह सभी महंगी बॉलीवुड कभी समय की गई फिल्म था। इसकी लागत अभी तक बरामद कमाई रुपीस 840 मिलियन है। दुनिया भर में फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई प्रशंसा अर्जित की, जिसमें खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में खान ने कल हो ना हो में अभिनय किया। करण जौहर द्वारा लिखित और न्यूयॉर्क शहर में सेट की गई एक कॉमेडी ड्रामा जो घरेलू स्तर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और उस साल बाहरी बाजारों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। जया बच्चन सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ सह कलाकार खान को अमन माथुर के अपने चित्रित के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। एक घातक हृदय रोग के साथ एक व्यक्ति दर्शकों ऊपर अपने भावनात्मक प्रभाव की प्रशंसा करता है। खान और ड्रीम्स अनलिमिटेड के दूसरे साझेदारों में जूही चावला को अजीज मिर्जा की फिल्म चलते चलते में असफलता को लेकर संघर्ष हुआ और फिल्म की सफलता के बावजूद उन्होंने रास्ते काट दिए। 2004 में खान के लिए एक गंभीर और व्यावसायिक रूप में सफल वर्ष था। उन्होंने ड्रीम्स अल्टीमेट को रेड चिली एंटरटेन में तब्दील किया। उसमें उनकी पत्नी गौरी एक निर्माता के रूप में शामिल हुई। कंपनी के पहले प्रोडक्शन उन्होंने फरहान खान के निर्देशन में मसाला फिल्म मैं हूँ ना में अभिनय किया। भारत पाकिस्तान संबंधों का एक काल्पनिक खाता, इसे कुछ टिप्पणीकारों द्वारा निरंतर खलनायक के रूप में पाकिस्तान के रूढ़िवादी चित्रण से दूर जाने के एक सचेत प्रयास के रूप में देखा गया। खान ने इसके बाद एक भारतीय वायुसेना के पायलट की भूमिका निभाई, जो यश चोपड़ा की रोमांस फिल्म वीर जारा में एक पाकिस्तान महिला से प्यार करता है जिसे अली
में दिखाया गया था। दर्शकों की प्रशंसा से के लिए 50वां मिलेनियम फिल्म समारोह, इसके बाद उन्हें की दुनिया भर में सकल के साथ भारत में 2004 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, रुपीज 940 मिलियन, और मैं हूँ ना के साथ दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली वाला था 680 मिलियन। 2004 के अपने अंतिम रिलीज में खान ने नासा के वैज्ञानिक के रूप में अभिनय किया, जो आशुतोष गोवरीकर के सामाजिक नाटक शवदेश में अपनी जोड़ों को फिर से जगाने के लिए भारत लौटता है, जो नासा धुनराश के अंदर शूट होने वाली पहली भारतीय फिल्म पहली तस्वीर बन गई है, और पर केंद्र कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में। फिल्म विद्वान स्टीफन टो ने बॉलीवुड रिलीजियम के उदाहरण के रूप में चित्र को संदर्भित किया, जो हिंदी सिनेमा में पारंपरिक कथा और दर्शकों की अपेक्षा से पारगम को प्रदर्शित करता है। दिसंबर 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया खबर है कि खान ने इस फिल्म को भावनात्मक रूप से जबरदस्त और जीवन बदलने वाला अनुभव से जोड़कर देखा, जो उन्होंने अभी तक नहीं देखी थी। डायरेक्ट एली की विविधता पाया खान के प्रदर्शन के रूप में परेशान एक आत्मसंतुष्ट प्रयासी गरीब भारतीय किसानों को पश्चिमी मूल्य लाने के लिए निर्धारित किया पल्लाई सहित, लेकिन कई फिल्म आर्च को यह माना जाता है कि उनके बेहतरीन किया गया है आज तक अभिनय। उनकी 2005 रिलीज के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और अंत स्वेडस के लिए पुरस्कार जीता। फिल्मफेयर बाद में 2010 के बॉलीवुड के टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस के प्रदर्शन में उनका प्रदर्शन शामिल था। गाइस, चलिए तो अपनी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट अभिनेत्री काजोल के बारे में कुछ बातें बताते हैं। काजोल के रूप में एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, जिन्हें मीडिया में हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, और उन्हें कई प्रशंसा प्राप्त हुई है, जिनमें से 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है, जिसमें से उनकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तनुजा और श्यामा मुखर्जी की बेटी काजोल ने अपने अभिनय की शुरुआत बेखुदी से की थी, जबकि वह अभी भी स्कूल में है। बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाजीगर के साथ उनकी पहली व्यावसायिक सफलता मिली शाहरुख खान के साथ। रोमांस दिल लगी में सफल भूमिका के बाद उन्होंने खान के साथ कई ब्लॉकबस्टर में काम किया, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है। इसमें दोनों ने ही उन्हें व्यापक सार्वजनिक मान्यता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में 2 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किए। यद्यपि आर्थिक रूप से लाभदायक परिवार एक नाटकों द्वारा इस अवधि के दौरान उनका करियर स्थापित किया गया था, लेकिन यह गुप्त में एक मनोरोगी हत्यारे का उनका चित्रण था हिडन ट्रुथ, और दुश्मन में एक बदला लेने वाले जिसने उसकी अधिक महत्वपूर्ण आलोचना अर्जित की। कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के बाद 2001 में, जिसने उन्हें तीसरा फिल्मफेयर अवार्ड जीता, काजोल ने पुल काले अभिनय से सबका साथ लिया और अगले 2 दशक में लगातार करती रही। रोमांटिक थ्रिलर फना के साथ एक सफल वापसी के बाद उन्होंने यू मी एंड हम, वी आर फैमिली, माई नेम इज खान और दिलवाले जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। अभिनय में फना और माई नेम इज खान फिल्म
फेयर में अर्जित उनके दो और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। काजोल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2020 में पीरियड फिल्म तन्हाजी के साथ आई। फिल्मों में अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता है और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए जानी जाती है। उन्होंने 2008 में रियलिटी शो रॉक एंड रोल फैमिली के लिए एक प्रतिभा जज के रूप में चित्रित किया और देवगन एंटरटेनमेंट एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड में एक प्रतिबंधी के नाट स्थान रखती है। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की है, जिनके साथ उनके दो बच्चे हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी माँ तनुजा एक अभिनेत्री हैं, जबकि उनके पिता सोमू मुखर्जी की मृत्यु 2008 में कार्डियटिक स्टेट में पीड़ित होने के बाद हुई थी, जो एक फिल्म निर्देशक थे और निर्माता भी। एक हस्ताक्षर के दौरान उनके कहा कि वह अंग्रेजी, हिंदी और मराठी बोलती है और बंगाली समझ सकती है। उनकी छोटी बहन तनिषा भी एक अभिनेत्री है। उनकी नानी अभिनेत्री नूतन थी और उनकी नानी शोभा समर्थ और फरदादी रतनबाई दोनों हिंदी सिनेमा में शामिल थी। उनके पैतृक चाचा जाय जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी फिल्म निर्माता हैं, जबकि उनके पैतृक और नाना जी शशाधर मुखर्जी और कुंवर सिंह समर्थक क्रमश फिल्म निर्माता थे। काजोल की चचेरी बहन रानी मुखर्जी, शर्वनी मुखर्जी और मोहनीश बहल भी बॉलीवुड अभिनेता है, जबकि आयरन आयान मुखर्जी एक निर्देशक हैं। काजोल खुद को एक बच्चे के रूप में बेहद शरारती बताती है। उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़िद्दी और आवेगी थी। जब वह छोटी थी तब उनके माता पिता अलग हो गए, लेकिन तनोरा ने कहा कि काजोल विभाजन से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि हम सामने कभी बहस नहीं करते थे। काजोल की देखभाल उनकी नानी ने की, जिन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरी माँ दूर थी और कम कर रही थी। काजोल के अनुसार उनकी माँ ने बहुत कम उम्र में उनमें स्वतंत्रता की भावना पैदा की। दो अलग अलग संस्कृतियों के बीच बढ़ते हुए उसे अपनी माँ में मास्टरेटन प्रभाविकता और अपने पिता में बंगाली स्वभाव विरासत मिली। काजोल की शिक्षा सेंट जॉन फेट कॉन्वेंट स्कूल पंचगनी नामक एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। अपनी पढ़ाई के अलावा उन्होंने गतिविधियों में भाग लिया, जैसे नृत्य। यह स्कूल में था कि उसने कथा साहित्य को पढ़ने के लिए एक सक्रिय रुचि बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इससे उसे अपने जीवन में बुरे क्षणों से मदद मिली। काजोल 1992 रोमांटिक नाटक में 17 साल की उम्र में पहली फिल्म में अभिनय किया। बेखुदी नवेदित साथ कमल साधना और उनकी माँ तनुजा। काजोल ने राधिका का किरदार निभाया, जो अपने माता पिता की असुकृति के खिलाफ सदाना के चरित्र को प्यार पड़ जाती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई गई, लेकिन काजोल के अभिनय को सकारात्मक नोटिस मिला। अगले वर्ष में है अब्बास मस्तान थ्रिलर अपराध वाजीकर के राजसो के साथ वर्ष की चौथी सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म 182.5 लाख अमेरिका में $26 की। शाहरुख खान अभिनीत और शिल्पा शेट्टी काजोल को प्रिया चोपड़ा की भूमिका में दिखाती है, जो एक युवा महिला है जो अपनी बहन के हत्यारे के प्यार में पड़ जाती है, जो उसकी पहचान से अनजान है। वाजीगर ने खान के साथ अपने पहले सहयोग को शहीद किया, हालांकि उनके प्रदर्शन के महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। काजोल को उनके लुक के लिए आलोचना की गई थी। 1994 में काजोल मधुर उड़ान उधाड़ की जिंदगी में जितेंद्र और मौसमी चटर्जी द्वारा निभाए गए पात्रों को
पोती के रूप में दिखाई दी। यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही। यद्यपि काजोल नामित किया गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री द्वारा बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एक्सप्रेशन, फिल्म काजोल के लिए एक भावनात्मक रूप से डेयरिंग अनुभव था और वह बाद में कहा कि यह उनकी कितनी गहराई है कि समाप्त हो गया कि शूटिंग के बाद वह एक संकट के कागार पर था, प्रभावित था। नतीजाजनक राहत पाने के लिए उसने हल्की फिल्मों को साइन करने के लिए एक जानबूझकर निर्णय लिया जिसमें उनकी न्यूनतम व महत्व की भूमिका होगी और कोई गहन नाटकीय प्रयास नहीं होंगे। इसमें शामिल है हलकुच, गुंडा राज और कर्ण अर्जुन। एक साल बाद रिलीज हुई। बाद में उन्हें यश राज फिल्म्स द्वारा निर्मित एक रोमांटिक नाटक ये दिल लगी की भूमिका के व्यापक सार्वजनिक मान्यता मिली। 1953 के अमेरिका नाटक सबरीना फेयर पर आधारित फिल्म एक चौंका देने वाली बेटी कहानी है जो एक मॉडल बन जाती है और दो भाइयों अपने पिता के बेटे को पकड़ती है। ये सफलता यह दिल लगी काजोल के लिए सफलता साबित हुई और उनके अभिनय की उसकी पहली बार एक दिलवाया वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें एक महत्वाकांक्षी और हेडस्ट्रॉन्ग लड़की के रूप में विश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए उल्लेखन किया जो खुद को बेटी एक शीर्ष मॉडल में बदल देती है। स्क्रीन द्वारा प्रदर्शित एक संतब के निष्कर्ष निकाला कि यह दिल लगी ने अपने स्क्रीन व्यक्तित्व को एक सौंदर्य असारथा में बदल दिया है। तो हेलो गाइस, बात करते हैं दिलवाले मूवी की जिसमें वरुण धवन ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। इसमें दिलवाले में वरुण धवन शाहरुख खान के छोटे भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। वरुण धवन एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। इसमें यह अपने भाई और शाहरुख खान और काजोल को एक दूसरे से मिलाने के लिए प्रयास करते दिखाई देते हैं और यह अंत में सफल भी हो जाते हैं। काजोल की बहन और वरुण धवन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं परंतु काजोल को यह सब पसंद नहीं होता और वह इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करती क्योंकि इन दोनों के पिता पहले डॉन थे जो फिल्म में दिलवाले फिल्म में डॉन का किरदार निभा रहे हैं। पहले कभी शाहरुख खान और काजोल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये एक दूसरे के पिता से बात करने के लिए एक बैठक बुलाते हैं जहां पर दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। मलिक और रणधीर दोनों अपने बच्चों की शादी की बात करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं परंतु वहां जो राजा नाम का एक गैंगस्टर है जिसकी भूमिका बबन ईरानी ने निभाई है वह बीच में इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा खेल कर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के सामने गोली तान कर खड़े हो जाते हैं। इसका फायदा वह उठा लेता है और वह सोचता है कि इसने इसको मारा है। तभी वह मलिक को गोली मार देता है। तब मीरा वहां पर आती है और सोचती है कि इसने मेरे पिता को मारा है और वह रणधीर को गोली मार देते हैं। यहाँ से इन दोनों का प्यार ख़त्म हो जाता है, बैकअप हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब वह अपने छोटे भाई वरुण धवन को एक गोवा में ले जाकर वहाँ पर एक कार रिपेयरिंग का गैराज खोलता है और दोनों वरुण धवन को पढ़ाने के साथ साथ अच्छे संस्कार देने के साथ साथ अपना नाम बदलकर
राज रख लेता है और राज के नाम से नई पहचान बनाता है। साथ ही वरुण को पढ़ाने के साथ साथ वह अपने भाई के गैराज में भी काम में उसके मदद करता है। इसी बीच वरुण धवन को, जो कि इस फिल्म में वीर की भूमिका में हैं, मीरा की बहन, छोटी बहन इशिता से मुलाकात होती है और वह पहली ही नज़र में उससे प्यार करने लग जाता है। इशिता भी अपनी कार को रिपेयरिंग करवाने के लिए गैराज में अपनी कार लेकर आती है और दोनों इस तरह एक दूसरे के नज़दीक आते चले जाते हैं और दोनों में काफ़ी जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वह धीरे धीरे अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच वरुण धवन का दोस्त, जो कि वरुण शर्मा है, इसमें वरुण धवन के दोस्त की मुख्य भूमिका वरुण शर्मा ने निभाई है, जो इस फिल्म में उसका नाम सिद्धू है और सिद्धू कार के पार्ट को चोरी करता है अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के लिए, क्योंकि वह जेनी से प्यार करता है और उन पार्ट को दूसरे को बेच देता है। इसी बीच फिल्म आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो दोस्तों, वरुण धवन ने इस फिल्म में बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाया है और यह इसके लिए इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दिलवाले में मुख्य भूमिका शाहरुख खान और काजोल ने निभाई है। काजोल भी अपनी छोटी बहन के साथ दूसरे जगह पर चली जाती है और एक बार फिर दोनों को आमना सामना होता है, जब इसी का बताती है कि वह वीर से प्यार करती है, परंतु जब मीरा वीर से मिलती है तो उसे पता चलता है कि यह काली का भाई है। जब वह अपने भाई से मिलाता है तो देखता है कि यह तो काली है। तब दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वह इशिका से कहती है कि तुम वीर को भूल जाओ, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। तब तब वीर और इशिका दोनों इस बात को जानने के कोशिश में लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो मेरा भाई और मेरी दीदी एक दूसरे को पसंद नहीं करते और दोनों के बीच इतनी नफरत क्यों है। वह अपने अपने दोस्त से पूछता है। दोस्त के पिता उन्हें बताते हैं कि इनका एक रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट में ऐसे रहते थे, एक दूसरे से प्यार करने लगते, ये ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो झूठी कहानी बनाकर वह दोनों को सिखा देता है, दोनों के सामने प्रकट कर देता है। तो वरुण धवन और इसीता ने कीर्ति सेन ने जो इसीता की भूमिका कीर्ति सेन ने निभाई है, तो दोनों आपस में विचार करते हैं कि हम अपने भाई और दीदी को मिलाकर रहेंगे और इन दोनों को फिर से पैकअप कराएंगे। तो दोनों मिलाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, उन दोनों को नज़दीक लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। इस तरह फिल्म आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और बहुत से दृश्य ऐसे होते हैं जो बहुत हास्य होते हैं, जिसको देखकर बहुत ही हास्य होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है। वरुण धवन ने इसमें एक कॉमेडी रोल प्ले किया है जो जगह जगह पर आपको दिखाई देगा। तो इस बीच दोनों एक दूसरे को मिलाने के लिए अब आगे बढ़ते चले जाते हैं, नए नए रास्ते खोज करते हैं। सिद्धू बताता है कि दोस्त ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करते करते जीवन में बाद में पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। एक दिन राज और मीरा आमने सामने होते हैं, तब उन्हें एक दूसरे से बात करते हैं, तब
राजा राजा नाम का डोंजो बबन ईरानी की भूमिका भूमि जिसने बबन ईरानी ने इसमें अभिनय किया है, वह राजा डोन जो उसको मारने के लिए उसे के पास आते हैं, तो वह मीरा की राज मीरा की जान बचाने के लिए खुद को गोली लग जाती है, और दोनों को एक दूसरे की दूसरे से गोली लग जाती है। तब दोनों बाद में एक हॉस्पिटल में मिलते हैं। तब इस बीच पता चलता है मीरा को कि मेरे पिता को काली ने नहीं, रणधीर के गुंडों ने नहीं, राजा ने मारा था। तब वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और पछताती है कि यह मैंने क्या किया, और फिर वह महसूस करती है कि राज के लिए अपने मन में इज्जत और प्रेम महसूस करती है। तभी दोनों आपस में एक हॉस्पिटल में मिलते हैं, और यहीं पर दोनों की फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार यह पूरी फिल्म दिखाई देती है। इस बीच वरुण और इशिता दोनों के रिश्ते को सहमति मिल जाती है। वरुण शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पार्ट चोरी करता है और इसी की भूमिका को निभाया जाता है। उसने बहुत ही हास्य प्रदक सीन की है जो सफल भी हुए हैं। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कृति सेन की। कृति सेन ने दिलवाले में मीरा की छोटी बहन की भूमिका निभाई है। मीरा जब काली से प्यार करती है और उसके पिता को मलिक सो ये जानती है कि उसके पिता को रणधीर ने मारा है, तब वह इन सब से भिन्न होकर एक अलग स्थान पर रहने के लिए चली जाती है और अपनी छोटी बहन को साथ रखती है। अपनी छोटी बहन को पढ़ाने के लिए और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वह काम करती है। धीरे धीरे सब ठीक होता है। तभी एक दिन वह इशिता की मुलाकात राज के छोटे भाई वीर से होती है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लग जाते हैं। इशिता राज को पसंद करने लगती इशिता वीर को पसंद करने लगती है और राज और वीर इशिता को अपनी रोज रोज मिलने के बहाने से इशिता अपनी गाड़ी अपने फ्रेंड की अपने दोस्तों की गाड़ी को खराब करती है और गैराज में लाती है। तभी वरुण धवन गाड़ियों की रिपेयरिंग करता है और रात को सोते समय एक सपने देखता है। सपने में वह इशिता को देखता है और गाड़ी को ठीक करता है। तभी पता चलता है कि कार के पुर्जे चोरी हो गए हैं। इसी बीच राजा की गाड़ी भी रिपेयर के लिए आती है और उस गाड़ी में बहुत सारा ड्रग्स होता है। वह उस उनको देखकर एक पाउडर समझते हैं कि यह पाउडर है, और इसी बीच वह उनको गाड़ी में आग लग जाती है और सारा ड्रग्स जलकर राख हो जाता है। राजा को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने राज से पूछा कि मेरा सारा माल कहाँ है। तब राज को इस बीच कुछ भी नहीं पता था कि इसमें गाड़ी में क्या था और क्या नहीं, तो यह झगड़ा और बड़ा हो जाता है। वो राज बोल राज कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कौन सा माल है और क्या है क्या नहीं, इस विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। राजा यह सोचता है कि यह सब झूठ है और वह मीरा से मिलता है। मीरा को बताता है कि काली अभी जिंदा है, मरा नहीं, और वह इसी शहर में है। तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और नफरत और भी बढ़ जाती है। काली अपने माल के लिए पूछता है जॉनी लीवर, जो ऐसे इसमें एक हास्य का रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं जॉनी लीवर हर फिल्म में
हास्य का रोल करता है और जो बहुत ही प्रसिद्ध होता है। इसके लिए उन्हें बहुत से पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। अनेक फिल्मों में कॉमेडी करने के कारण यह कॉमेडियन कहलाता है, कॉमेडियन कलाकार है। इस बीच वह देखता है कि ये गाड़ी, जब राजा की गाड़ी गैराज में रिपेयरिंग के लिए आती है, तो वह सोचता है कि यह पाउडर कैसा है, उसको ये समझ नहीं आता, और वह अपने आप खा लेता है। तब वह झूम जाता है और नशे में उसको यह सब कुछ भी नहीं पता होता कि वह क्या कह रहा है। वरुण धवन और सिद्धू, जो कि वरुण धवन हैं, वरुण शर्मा, दोनों उसके बात को कुछ भी नहीं समझ पाते और वह गाड़ी में आग लग जाती है। तब बबन ईरानी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि इस मेरा इतने करोड़ का माल जलकर राख हो गया, और वह काली से बदला लेने के लिए नई चालें चलना शुरू कर देता है। वह उनसे पूछता है, मेरा माल कहाँ गया? परंतु उसको यह नहीं पता कि यह कौन से माल की बात कर रहा है। इसलिए कहानी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। राजा बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उन दोनों ने उसने ही रणधीर और मलिक के बीच नफरत फैलाई और उनका झगड़ा कराया, और उन आपस में फूट डालकर एक दूसरे की गोली से मरवा दिया। तब वह इसका फायदा उठाता है और मीरा को बताता है कि काली यहीं पर है और तुम अपना बदला ले सकते हो। तभी वह एक दूसरे से मिलते हैं। राज को पता चलता है कि मीरा भी इसी शहर में है और वह राजा से बात कर रही है। तब यह दिखाया जाता है। दोस्तों, यह सीन बहुत ही हास्य वाला है, जब जॉनी लीवर ड्रग्स खा लेता है, उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। यह सब देखकर बहुत ही हंसी आती है और सब लोटपोट रहते हैं। थोड़ी देर तक यह चलता है और फिर सब सोने के बाद सब सपने देखते हैं। उसके बाद आपस में फिर मिलते हैं। सुबह होने पर वह सोचते हैं कि यह क्या था और ये क्या पूछ रही है। उनको कुछ भी नहीं समझ में आता। ये बोलते हैं, हमने तो एक पाउडर जलाया, हमें नहीं पता वह क्या था और क्या नहीं। इस बीच जब इसी तरह अपनी बड़ी बहन को वीर के बड़े भाई से मिलाने के लिए कहती है, तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक बार फिर दोनों का आमना सामना होता है। तब दिखाई देता है, तब वह एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और मीरा वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम, यह रिश्ता नहीं हो सकता, और वह एक दूसरे से नफरत करते हैं। तब धवन और इशिता ने सोचा कि आप इन दोनों का आपस में क्या है जो ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तब वे दोनों इसकी खोज करने लग जाते हैं और अपने दोस्तों से पूछते हैं। सिद्धू के पिता से जानकारी हासिल करने की सोचते हैं। एक दिन अचानक सिद्धू के पिता के पास चले जाते हैं और पूछते हैं कि भैया और मेरी दीदी के साथ में ये क्या है, वे एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं करते, एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तभी उसके पिता ने झूठ मूठ की कहानी उन्हें बताई, कहा कि यह एक लंबी कहानी है, यह पहले कभी मिलते थे, यह रेस्तरा चलाता था और ये इससे ये मांगते थे, फिल्म बनाते, उन्हें एक फिल्म बनाकर तैयार कर दी दोनों के सामने। तब वे सोचते हैं कि ठीक है, हम इन दोनों को आपस में फिर से मिलाएंगे। तो इस बीच दोनों एक दूसरे को पास लाने के लिए, एक दूसरे को नज़दीक लाने के लिए, एक
प्रयास करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने प्रयास में सफल होना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच राजा के जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वह वापस में उसकी उसकी भूमिका आती है। वह जब मीरा और राज एक दूसरे से मिलने के लिए अपने बात कहने के लिए आते हैं, तब राजा ने एक काली को गोली मारी, मीरा को मारने के लिए गोली चलाई, जो कि राज उसके सामने आ जाता है। तब मीरा सोचती है कि इसने मेरी जान बचाई, और वह सोते तभी इतने में मीरा को भी गोली लग जाती है और दोनों को पता नहीं चलता कि वे कहाँ पर है। इसी बीच वे होश आने पर पता चलता है वे दोनों हॉस्पिटल में दोबारा फिर मिलते हैं, और मीरा की गलतफहमी को दूर करने के लिए मीरा को काली ने सब सच बताया बताया कि जब मेरे पिताजी हम दोनों की शादी की बात करने के लिए गए थे, तब मैंने गोली नहीं चलाई थी। तब पहले मलिक ने रणधीर को गोली मारी, और जब मेरे पिता को गोली मैंने सामने से गोली ताकी तो मेरे राजा के गुंडों ने उन पर गोली चला दी। इस बीच जब पूरी सच्चाई का मीरा को पता चलता है तो वह बहुत पछताती है और अपने आप में बहुत गिल्टी फील महसूस करती है। तब वह सोचती है कि मैं अब क्या करूं। तब वे दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद मीरा फिर से राज को पसंद करने लग जाती है और वह उससे प्यार करने लग जाती है। इसी बीच दोनों हंसी खुशी फिर से मिलते हैं, वीर और इसीता का सपना भी पूरा हो जाता है। वह अपने बड़े बहन भाई को आपस में मिलाने के लिए एकजुट थे, और एकजुट होने के बाद उन्होंने दोनों को मिलाया। वे बहुत हंसी खुशी से पूरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यही तो दोस्तों, बात करते हैं आगे इसके सॉन्ग की। तो शुरुआत करते हैं इसके साउंड ट्रैक की। इसका साउंड ट्रैक उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध साउंड ट्रैक रहा। तो दोस्तों, दिलवाले फिल्म का साउंड ट्रैक बहुत ही अच्छा है और इसके सभी गाने दर्शकों को बहुत ही पसंद आए। दिलवाले गाने प्रीतम चक्रवर्ती द्वारा जारी 4 दिसंबर 2015 को किए गए। संगीत शैली फिल्म, लंबाई 30.01, भाषा हिंदी, लेवल सोनी का है, निर्माता प्रीतम चक्रवर्ती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के सभी गाने बहुत ही अच्छे और सुनने में बहुत ही अच्छे लगे और सबने बहुत ही पसंद किए। शीर्षक इस गाने में सात इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जो सभी उस टाइम के अच्छे गाने साउंड ट्रैक माना जाता है। पहला गाना गेहुआ, इसे अमिता भट्टाचार्य ने गाया है। इसके गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य है और गायक अरिजीत सिंह, अंतरा मित्र, अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंद्रा, अंतरा मित्र। इसकी अवधि 5 मिनट और 46 सेकंड की है। तो दोस्तों, इसका दूसरा गाना, यह गाना सभी को बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी यह गाना बहुत पसंद है। मनवा इमोशन जागे रे, मनवा इमोशन जागे रे। इस गाने के गायक अमित मिश्रा, अनुष्का मनचंद्रा, अंतरा मित्र। इसकी अवधि 3 मिनट और 29 सेकंड की है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे गाने की।
जो बहुत ही सुंदर गाना है, जन्म जन्म मैं तेरे साथ रहूँगा। इस फिल्म को गाया है अरिजीत सिंह, अंतरा मित्र। इसकी अवधि 3 मिनट और 57 सेकंड की है। लगभग यह 4 मिनट का गाना है जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। चौथा गाना टुकुर 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 टुकुर, यह गाना अरिजीत सिंह ने गाया है। यह इस गाने की कुल अवधि 4 मिनट और 32 सेकंड है। पांचवा दायरे दायरे, अरिजीत सिंह ने गाया है। इसकी अवधि 4 मिनट और 50 सेकंड की है। छठा गाना प्रेमिका, यह गाना कनिका कपूर ने गाया है। इसकी अवधि 3 मिनट और 45 सेकंड की है। विषय दिलवाले दिलवाले अरिजीत सिंह, इसके अवधि 3 मिनट और 42 सेकंड की है। तो दोस्तों, कुल अवधि, कुल गाने फिल्म में 30 मिनट और 1 सेकंड के हैं। आधे घंटे की मूवी तो गाने में ही निकल जाती है। दिलवाले दिलवाले के एकल गाने गेवा रिलीज, इसकी रिलीज की तारीख 18 नवंबर 2015 और मनवा इमोशन जागे रे गाना रिलीज हुआ था 26 नवंबर 2015 को। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इसका गीत संगीत बहुत ही अच्छा गया और इसके सभी गाने दर्शकों ने पसंद किए और सुने। इस दिलवाले फिल्म को दैनिक भास्कर भास्कर ने समीक्षा के अनुसार शाहरुख खान, काजोल, वरुण और कृति सेन के अलावा फिल्म में सहायक किरदार निभा रहे कबीर बेदी ने भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाए हैं और अपने किरदार का बहुत अच्छे अभिनय किया है। अभिनय कबीर बेदी ने भी इसमें बहुत अच्छा अभिनय किया है। और संजय मिश्रा, जॉनी लीवर, बोबन ईरानी और वरुण शर्मा ने हास्य का भरपूर निर्माण किया है। सभी हास्य, यह फिल्म हास्य से भरपूर है। इसमें जगह जगह पर जॉनी लीवर ने, संजय मिश्रा ने, वरुण शर्मा ने अपने हास्य का प्रदर्शन बहुत ही अच्छी तरह से किया है और यह सहायक कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है, जिससे यह एक हिट फिल्म की ओर चली गई और यह इसने व्यवसाय में अच्छा काम व्यवसाय के लिए अच्छा प्रयास किया। इनमें 5 सितारों में से 4 सितारे इस फिल्म को दिए गए। भास्कर ने इस फिल्म को 5 सितारों में से 4 सितारे दिए हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस फिल्म को एक व्यावसायिक रूप से देखा और जाना जा सकता है। यह उस समय की एक हिट फिल्म रही जो व्यवसाय की दृष्टि से भी अच्छी और इसने अच्छी कमाई भी की। तो इसलिए दोस्तों, इस फिल्म को भास्कर ने 5 में से 4 पॉइंट दिए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस फिल्म के कास्ट की। दिलवाले फिल्म के कास्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि इस फिल्म में किस किस ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है और किस किस ने सह भूमिकाएं निभाई है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कास्ट की। राज बख्शी काली के रूप में शाहरुख खान में इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई है, जो रणधीर के दत्तक पुत्र और वीर के दत्तक भाई, शक्ति और अनवर के दोस्त मीरा से प्यार करते हैं। इस फिल्म में
शाहरुख खान ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, एक बड़ी बड़े भाई होने की, एक अच्छा बेटा बेटे बनने की बहुत अच्छी और सुंदर भूमिका शाहरुख खान की दिखाई देती है। मीरा मलिक के रूप में काजोल, देव की बेटी, इशिता की बड़ी बहन, राज की प्रेमिका, मीरा का भी इसमें बहुत ही सुंदर रोल है। काजोल ने इस फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया है, वह एक बड़ी बहन के रूप में बहुत ही अच्छा और सुंदर रोल प्ले किया है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह इसमें दिखाई देती है। वीर बख्शी के रूप में वरुण धवन, जो कि उसके का छोटे भाई रणधीर के जैविक पुत्र, राज के दत्तक भाई, सिद्धू के दोस्त और इसी का के प्रेमी के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह ईसु मलिक के रूप में कृति सेन, देव की बेटी, मीरा की बहन, वीर की प्रेमिका की भूमिका निभाई है। रणधीर बख्शी के रूप में विनोद खन्ना, राज के दत्तक पिता और वीर के पिता। देव मलिक के रूप में कबीर बेदी, मीरा और इशिता के पिता। किंग के रूप में बोमन ईरानी, स्थानीय गैंग लीडर। जॉनी लीवर के रूप में मनी चोबारा, राज और वीर के पड़ोसी। यह बहुत ही इसमें हास्यप्रदक रोल प्ले किया है, जिस अभिनय के लिए हम जॉनी लीवर को जानते हैं, उस अभिनय के लिए इन्होंने फिल्म को और भी शानदार बनाया, हास्य रोल प्ले किया। संजय मिश्रा को ऑस्कर डी कोस्टा, जॉनी के भाई के रूप में, शक्ति सहगल के रूप में मुकेश तिवारी, सिद्धू के भाई, राज और अनवर के दोस्त, राज के निकटतम सहयोगी, अनवर अंसारी के रूप में पंकज त्रिपाठी, राज और शक्ति के दोस्त, राज के निकटतम सहयोगी, राघव के रूप में नवाब शाह, देव का दाहिना हाथ, सिद्धार्थ, सिद्धू के रूप में वरुण शर्मा। दोस्तों, वरुण शर्मा को तो आप और हम सभी जानते हैं, यह सभी फिल्मों में हास्य रोल प्ले करता है। इसकी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने हास्य रोल निभाया है और जो बहुत ही सुंदर और सुजग तरीके से निभाया गया है। यह अपनी फिल्मों में हास्य के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं। दिलवाले में इन्होंने एक हास्य रोल निभाया है, शक्ति के भाई, वीर के दोस्त और दोस्त जेनी जेनी के प्रेमी, जो जेनी से बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रेम के लिए वे कार के पार्टों की भी चोरी करते हुए इस दिलवाले फिल्म में दिखाई पड़ते हैं। चेतना पांडे जेनी डी क्रोस्टा के रूप में ऑस्कर की बहन, सिद्धू की प्रेमिका। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके उत्पादन की, इसने कितना उत्पादन किया और कितना विकास किया। जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा सहयोग होगा। शेट्टी ने कहा कि वह मार्च 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। शेट्टी ने अभिनेत्री काजोल के साथ शाहरुख खान को जोड़ा। यह सातवीं बार था जब उन्हें एक दूसरे के विपरीत कास्ट किया गया, एक दूसरे के विपरीत रोल प्ले किया गया। उन्होंने अभिनेता वरुण धवन को भी साइड किया और कथित तौर पर खान के भाई की भूमिका निभा रहे हैं, जो दिलवाले फिल्म में खान के छोटे भाई की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभिनेत्री कृति सेन ने उनके साथ साइन की गई थी,
जो इसमें काजोल की छोटी बहन की भूमिका में दिखाई देती है। प्रधान फोटोग्राफी 20 मार्च 2015 को गोवा में धवन के साथ शुरू हुई। खान और काजोल पहली बार जून 2015 में बुल्गारिया में फिल्मांकन के लिए दल में शामिल हुए। बाद में उसी महीने फिल्म के पहले गाने की शूटिंग बुल्गारिया में वरुण धवन और कीर्ति सेन पर की गई। जुलाई के अंत तक कार्यक्रम का समापन हुआ और गाना समाप्त हुआ। 2015 अगस्त में एक रोमांटिक गीत जिसने मुख्य भूमिका जोड़ी को आइसलैंड में फिल्माया गया था। फिल्मांकन के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग के लिए पूरी टीम सितंबर की शुरुआत में हैदराबाद के लिए रवाना हुई। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ समाप्त हो गया। कहानी बुल्गारिया से शुरू होती है और गोवा गोवा में आकर इस कहानी का समापन, इस फिल्म का समापन होता है। वही स्थान जहाँ से इसे शुरू किया गया था, दिसंबर में प्रमोशन शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गाना शूट किया गया। इसमें सभी चार प्रमुख अभिनेताओं को दिखाया गया और अंत क्रेडिट के साथ एक साथ खेला जाना था। दिलवाले में जारी किया गया संयुक्त अरब अमीरात पर 18 अपनी दुनिया भर में रिलीज। दिसंबर 2015 के एक दिन पहले यह फिल्म भारत में चारों ओर 3100 स्क्रीन में जारी किया गया। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार को बेच दिया गया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क एक सौदा मूल्य के भाग में रूप 2.2 अरब अगले 2-3 दिन लाल मिर्च मनोरंजन प्रस्तुति के साथ साथ अमेरिका 31 मिलियन अकेले फिल्म के दिलवाले का मूल्यांकन लगभग 600 मिलियन यूएसए 8.4 मिलियन था। 14 दिसंबर 2015 को यूनाइटेड किंगडम ने फिल्म को माध्यम हिंसा के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन से 12A इस रेटिंग को प्राप्त करने के लिए फिल्म के यूके डिस्ट्रीब्यूटर ने 13 सेकंड निकालने का विकल्प चुना। एक कटा हुआ 15 रेटेड संस्करण उपलब्ध है। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा से तरण आदर्श ने फिल्म को 4 में से 5 स्टार दिए, जिसमें कहा गया कि पूरे दिलवाले एक माउथ वाटर खाने के शौकीन हैं, जो SR के काजोल के प्रशंसकों के लिए एक संपूर्ण इलाज होने के अलावा मसालेदार मैलाथन खाने वालों की लालसा को पूरा करते हैं। भीड़ पर्सन दिलवाले रोहित शेट्टी की फिल्म से उम्मीद करती है। किंग साइड एंटरटेनमेंट इसके लिए आओ कोमल नायडा ने फिल्म की समीक्षा में कहा, दिलवाले शुरू से अंत तक एक मसाला मनोरंजन करता है। यह सभी दर्शकों का अच्छी तरह से मनोरंजन होता है इस फिल्म में। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए और कहा, दिलवाले सर्वोत्कृष्ट पॉपकॉर्न झटका है। यह रंगीन उज्जवल और मनोरंजन है। यह सभी दर्शकों को मनोरंजन होता है और अपनी ओर खींचती है। यह चालाकी से SR के काजोल रसायन विज्ञान शानदार अंत के लिए बाहर पर अपना नाटक रखता है, अपनी कहानी प्रस्तुत करता
करता है। इसमें शानदार संगीत, गीत और संगीत है। सभ्य हंसते हैं, हंसाते भी हैं। निश्चित रूप से देवको के लायक। डीएनए की सरिता एवं तवर ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए। इसमें कहा गया कि दिलवाले त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए सही है जो मानते हैं कि प्यार सब सिखाता है और अंत में जीतता है। वास्तव में अंत में प्यार की ही जीत होती है। इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने भी फिल्म को 5 में से 3 पॉइंट रेट दिए हैं और निष्कर्ष निकाला है, ओह माय गॉड, इस प्रेटी लेबल कहानी के बावजूद दिलवाले बेहद सुखद है। अपने दिमाग को तस्वीर से बाहर रखे और अपने आपके पास एक आउट है और बाहर मनोरंजन जो पूरी तरह से एक दोषी सुखी के साँचे में फिट बैठता है। मिड डे ने भी शुभ्रा शेट्टी ने सहा ने फिल्म को 3 स्टार दिए और कहा, SR के और काजोल के बीच की केमिस्ट्री के लिए इसे देखें, जो इन सभी वर्षों के बाद भी कम होने का इनकार नहीं करते। इन दोनों की जोड़ी हिट है। शाहरुख और काजोल की जोड़ी को देखने के लिए दर्शक काफ़ी उत्सुक होते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने से मीना अय्यर ने फिल्म को 5 में से 3 सितारे दिए। कथानक की आलोचना की और कहा, दिलवाले भारी शाहरुख के मेगा स्टार बनने, वरुण की बदबुआहट स्थानों आइसलैंड और बुगारिया ऑर्केस्ट्रेट कार के पीछा करने और से शीर्ष पर स्थितियों को आप मुंह दबाकर हंसते हैं, लुभवाते हैं। पर NDTV को लगा कि फिल्म का प्लॉट हलकों में चला गया और काजोल के महान होने के बावजूद फिल्म कुल मिलाकर अपील करने में विफल रही। इकोनॉमिक टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और महसूस किया कि इसमें आत्मा और ताजगी की कमी है और कहा कि यह केवल खान और काजोल की प्रशंसकों से अपील करेगा। राजीव मंसद की IBN लाइफ 5 की फिल्म 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट दिया और कहा, 7 वास्तविक समस्या दिलवाले उदयमय की सरासर कृत्रिमिकता है। इंद्रधनुष सेट और गीत में छुपा अपरिदृश्य से करने के लिए हास्य और भावात्मक उदागई के कई क्षण, इतना कुछ सिर्फ नकली लगता है। नम्रता जोशी दी की द हिंदू टिप्पणी की रोहित शेट्टी ज्यादा के बावजूद बुरी गलत हो जाता है कि वह अपने निपटान में था। एक शक्ति से भरपूर कलाकारों और निर्माता भी शामिल है। जोशी भी महसूस किया कि खान और कॉलेज काजोल रिपैच करने के लिए प्रयास उल्टा असर हुआ था कि रोहित वत्स हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 1.5 रैंकिंग और प्लॉट को अत्यधिक पूर्णमान कहा जाता है। प्रमुख व्यक्तियों शाहरुख खान ने दिलवाले को मसाला मनोरंजन के रूप में स्पष्ट रूप से तैनात किया, जिसका अर्थ है कि हमें तर्क, सामंजस्य, चरित्र या गहराई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राजा सेन रेडिफ ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, बजट और सक्सेस ये लंबे समय से सिटी के लोगों ब्लॉक है और ये दिलवाले की तुलना में कभी ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, जहाँ आधुनिक हिंदी सिनेमा की स्क्रीन जोड़ी में सबसे बड़ी कमी आई है। तो बॉक्स ऑफिस दिलवाले
चारों ओर बनाया। 150 करोड़ अपने उद्घाटन सप्ताह में वर्ष की तीसरी सर्वाधिक अमेरिका में, 21 लाख डॉलर दुनिया भर में। भारत फिल्म के साथ साथ जारी बाजीराव मस्तानी बॉक्स ऑफिस पर खोला नंबर एक और एकत्र 210 मिलियन के बाद वर्ष की तीसरी सर्वाधिक। इसके उद्घाटन के दिन पर अमेरिका ने 2.9 मिलियन, भारत में प्रेम रतन धन पायो बजरंगी भाईजान फिल्म को इसके दूसरे दिन थोड़ा बूंद से पता चला और लगभग अर्जित 200 मिलियन अमेरिका, 2.8 मिलियन। इससे पहले रविवार को दिलवाले लगभग में ले लिया 230 मिलियन यूएसए, 3.2 मिलियन। एक अनुमान के अनुसार करने के लिए 3 दिन लाने तक 640 मिलियन अमेरिका, 9 मिलियन। दिलवाले के पहले सप्ताह था 970 लाख, घरेलू बाजार में अमेरिका 14 मिलियन। फिल्म के आसपास अर्जित 210 मिलियन अपने पूरे सप्ताह में, यह थोड़ा अधिक की कमाई 310 बिलियन अमेरिका 4.32 सप्ताह में नेट करने के लिए अपने व्यापार लेन 1.27 अरब यूएसए, 18 मिलियन। फिल्म ने तीसरे सप्ताह 110 मिलियन यूएसए, 1.5 मिलियन की कमाई की। खान ने भारत में फिल्म के घरेलू प्रदर्शन से निराशा व्यक्त की। काजोल भी कथित तौर पर निराश थी। उन्होंने रिपोर्टरों के साथ दावा किया कि उन्होंने दिलवाले के पक्ष में सुजाय घोष की फिल्म के मुख्य भूमिका को ठुकरा दिया। दिलवाले ने 2015 में विदेश में सबसे ज़्यादा ओपनिंग की थी और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई हुई थी, जिसका वीकेंड ग्रास लगभग 8.5 मिलियन डॉलर था। फिल्म ने खाड़ी में भी एक सर्वाधिक रिकॉर्ड की स्थापना की। में पाकिस्तान फिल्म अर्जित 65 लाख अपने पहले 3 दिनों में। फिल्म एकत्र में 9.13 करोड़ पाकिस्तान 3 सप्ताह में। फिल्म ने पहले सप्ताह में विदेश में 13 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, फिर से साल का सबसे अधिक। दिलवाले ने दूसरे सप्ताह में 3.75 मिलियन की कमाई की, जो 10 दिनों में 16.75 मिलियन थी। 2 सप्ताह के बाद फिल्म की विदेश में कमाई 20.5 मिलियन डॉलर से अधिक थी। इस फिल्म ने भारत के बाहर 12 जनवरी 2016 को लगभग 33.3 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो विदेशी बाजार शाहरुख खान द्वारा अभिनीत सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। जर्मनी और नीदरलैंड, इंडोनेशिया जैसे जैसे नए बाजारों में खुलने के बाद दिलवाले की बिक्री 25 मिलियन से अधिक हो गई। फिल्म पर लगभग 26.6 मिलियन अर्जित करने के लिए चला गया। INR फरवरी 1756.5 मिलियन। फरवरी 2016 तक फिल्म की अंतिम विदेशी सकल अमेरिका 30.2 मिलियन था। शाहरुख खान की फिल्म के सबसे ज़्यादा और विदेशों में यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। दिलवाले फिल्म के पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार 61वां, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस आगे बात करते हैं इस फिल्म के, दिलवाले फिल्म के पुरस्कार और नामांकन की। किस अभिनेता को पुरस्कार मिला है और कैसे मिला है। इस फिल्म ने वैसे तो अपने देश में कम और विदेशों में बहुत ज़्यादा कमाई की है। यह विश्व की कमाई करने वाली बहुत ही अच्छी फिल्म बन गई है। विदेशों में कमाई करने वाली भारत की बहुत अच्छी फिल्म बन गई है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पुरस्कार। 61वां फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
शाहरुख खान सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, काजोल सर्वश्रेष्ठ गीत निर्देशक, प्रीतम सर्वश्रेष्ठ गीतकार, अमिताभ भट्टाचार्य गेरुआ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, अरिजीत सिंह गेरुआ वर्ष का गीत गेरुआ, वर्ष के पुरुष गायक अरिजीत सिंह गेरुआ, 18वां मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, वर्ष का संगीत गीतकार प्रीतिम गेरुआ जीत लिया मनोनीत, वर्ष का संगीतकार प्रीतम गेरुआ जीत लिया, वर्ष के आगामी पुरुष नायक अमित मिश्रा, मनवा भावना जागेरे मनोनीत, परिणाम मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ गीत इंजीनियर रिकॉर्डिंग और मिश्रण अश्वनी कुलकर्णी, कौशिक दास, निखिल पाल जॉर्ज, जूलियन मस्कोहांस, एमोन गोस्वामी, मिलेना डोबरेवा और एरिक पिल्लई गेरुआ मनोनीत। तो दोस्तों, यह सभी पुरस्कार नामक कुछ पर मनोनीत है और कुछ जीत लिया है। इस तरह इस फिल्म को पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कुछ नामांकन किए गए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को दिलवाले फिल्म के रिव्यू, फैक्ट एंड समरी पसंद आई होगी। अगर आप सब हमसे और भी कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोत्साहित करें और अपने विचार प्रकट करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह सभी आपको पसंद आए होंगे और आगे इससे अच्छा करने के लिए आप हमें हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए अपने कमेंट करते रहे और हमें बताते रहे कि आपको और क्या सुनना है। तो इसलिए दिलवाले फिल्म के सभी फैक्ट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप हमें प्रोत्साहित करते रहे। बाय।